कोई भी बच्चा जब टॉपर बनता है वो किसी भी एग्जाम को देता है, उसके अंदर उसने टॉप किया होता है। ये एग्जाम किसी चीज का भी हो सकता है, किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए उसने एग्जाम दिया था उसके अंदर उसने टॉप कर दिया था, या फिर जॉब पाने के लिए कोई एग्जाम दिया था उसके अंदर उसने टॉप कर दिया था। जो टॉप करता है, टॉपर जब बनता है, तो उसका क्रेडिट मानने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है क्योंकि उनको अपना धंधा चलाना होता है। खैर, इस बार खेल खुलेआम हो रहा है। यूपीएससी का भी हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर होता है 2021 का, जिसके अंदर श्रुति शर्मा टॉप करती है, ऑल इंडिया रैंक उनका 1 आता है। फिर यहां पर जैसे मैंने कहा ना, अब तो खुले आम खेल शुरू हो जाता है क्रेडिट मारने का। यहां पर जब इनसे इंटरव्यू लिया जाता है तो इनसे इन्होंने पूछा जाता है कि आपने कोचिंग कहां से ली, तो इन्होंने एक कोचिंग जो ली थी वो जामिया मिलिया से इन्होंने कोचिंग ली थी, जो गवर्नमेंट फंडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जो कोचिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इन्होंने वहां से कोचिंग ली, जामिया से आरसीए में मैंने गाइडेंस के लिए यूपीएससी के लिए बोलिया। अब यहां पर जब इनसे पूछा गया कि पढ़ना ही पढ़ाई कितनी देर की जाती है, तो यहां पर एक बहुत अच्छा जो इनके द्वारा आंसर दिया गया, बस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एस्पिरेंट्स हैं जो आने वाले इस वक्त में एग्जाम देने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, घंटे कितने इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेटजी कितनी इंपॉर्टेंट है? घंटे तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, घंटे काउंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन घंटे पढ़ रहे हैं उसमें क्वालिटी ऑफ पढ़ाई कितनी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो, सिविल सर्विस यानी जो यूपीएससी के अंडर आती है, इसको क्रैक करने के लिए 3 चरण होते हैं। पहला आता है प्री, प्री आपका क्लियर हो जाता है तब आपको मेंस में बैठने दिया जाता है। मेंस के अंदर अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। तो यानी प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो 3 चरण होते हैं आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो यहां पर जब इन्होंने क्रैक कर लिया ये एग्जाम, तो आते हैं सबसे पहले क्रेडिट मारने वाले पे, आईएएस विद ओजांग सर नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर, भाई साहब बहुत बड़ा एक चैनल है, खुले आम बोल रहे हैं। इन्होंने एक वीडियो अपलोड की, जब रिजल्ट आता है, भाई ये तो हमारे ओजांग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं उनकी मेहनत का फल है कि उनकी वजह से श्रुति शर्मा ने टॉप किया है, आज रैंक 1 क्रिएट किया है, हमने रैंक 1 क्रिएट किया है, और इसका पूरा श्रेय किसी को अगर जाता है तो सभी ओजांगियंस को जाता है। जामिया से आरसीए में मैंने गाइडेंस के लिए यूपीएससी के लिए बोलिया, और इसका पूरा श्रेय किसी को अगर जाता है तो सभी ओजांगियंस को जाता है जो मेरे साथ रात दिन खड़े रहे। जामिया से आरसीए में मैंने गाइडेंस के लिए यूपीएससी के लिए बोलिया। एक अलग से वीडियो ये रिकॉर्ड और मतलब कि अपलोड करते हैं, जिसके अंदर बड़ी ही खुशियों से, और हमने करके दिखा दिया, हमने ये कर दिया। भाई साहब, तुम्हारी चैन तुम्हारे जो इंस्टीट्यूट है उस पे जाके एक मॉक इंटरव्यू दिया था। देखो, मॉक इंटरव्यू ज्यादातर इंस्टीट्यूट के ऊपर जो भी ये आईएएस की प्रिपरेशन करवाते हैं वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो श्रुति शर्मा का अगर आप सर्च करते हैं, सिर्फ ये लिखते हैं कि मॉक इंटरव्यू ऑफ श्रुति शर्मा, तो आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। उन्होंने अलग अलग अकेडमीज में जाकर वहां पर मॉक इंटरव्यू दिया था, या फिर मॉक जो एक टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज होती है, वो भी कभी दी होगी यहां पर, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं की किसी भी पेड इंस्टीट्यूट के अंदर। लेकिन भाई साहब को अपना धंधा चलाना है, तो चलो भैया फेक चीजें करने स्टार्ट कर देते हैं, एक घटिया मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। हां, मार्केटिंग बहुत सारे लोग करते भी हैं, फेक भी मार्केटिंग चलती है, लेकिन यहां पर बात यह है कि कोई बच्ची यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसने कोचिंग ली, उस कोचिंग के बाद उसने एक बहुत बढ़िया रेपुटेटेड जॉब हासिल की, वो एक चीज है, इंस्पिरेशन बनती है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, और उनकी उम्मीद, उनके लिए उम्मीद आती है कि यार कोई भी इंसान बिना पैसे के देश की सबसे रेपुटेटेड जॉब के लिए वो एग्जाम क्रैक कर सकता है, बिना पैसे के, बिना पेड कोचिंग के लिए, तो उनके लिए वो इंस्पिरेशन बनता है। लेकिन इन जैसे जो लोग हैं, जो कोचिंग माफिया है, सिर्फ और सिर्फ इनका फायदा उठाते हैं, मिसगाइड करते हैं उन बच्चों को जिनके पास पैसे नहीं है, उनके मन में एक ऐसा वहम ये डाल दे कि आप तो बिना कोचिंग के कर ही नहीं सकते, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, हम आपको आगे लेके जाएंगे। देखिए, जब भी आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, सिविल सर्विसेज का आप एग्जाम देते हैं, तो प्री के बाद मेंस आता है, मेंस के अंदर पेपर होता है जिसको कहा जाता है एथिक्स। एथिक्स सिंपल भाषा के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं तो जिसमें रखा जाता है कि आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आप किसी सिचुएशन के अंदर कैसा रिएक्ट करते हैं, आप अच्छे से रिएक्ट करते हैं या बुरे से रिएक्ट करते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, या फिर सिंपल सी बात, आप तो नहीं है, आप भ्रष्ट तो नहीं बनेंगे, आप झूठ तो नहीं बोलेंगे चीजों को लेकर, वगैरह वगैरह। एथिक्स के ऊपर एक पेपर लिखा जाता है। हाँ, वो अलग बहस हो सकती है कि उसके ऊपर भी काफी सारी चीजें आती हैं कि क्या उसको क्या ऐसे मतलब मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हाँ, अलग चीज है, उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट ये है, ये एथिक्स की जो तैयारी है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाई जाती है।
लेकिन जहां पर खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट जो झूठ बोलने में माहिर है वो बच्चे को क्या सिखाएंगे यार कि भैया तुम भ्रष्ट मत बनना, तुम खुद भ्रष्ट हो यार, तुम सामने वाले को क्या नॉलेज दे रहे हो वहां। तो यहां पर ये जो मेन पॉइंट मेरा ये है, एक तो बच्चों को मिसगाइड करना कि भैया तुम पेड कोचिंग लोगे तब जाकर आप आईएएस बनोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। जो पेड कोचिंग है, पेड कोचिंग है, जरूरी नहीं कि वो जो एग्जाम है वो क्रैक करे। और यहां पर जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है भी एग्जाम क्रैक किए हुए आपको दिखते भी हैं। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर बच्चे की जो बहुत एक, मुझे बड़ा गर्व होता है हमारे देश के इस चीज के ऊपर, जो एक रिक्शा चालक का बच्चा या फिर बहुत गरीब तबके का बच्चा है जिसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है, वो ये इस एग्जाम को क्रैक करके अपने मतलब अपने सपने को पूरा कर सकता है, देश के लिए वो सेवा अपनी दे सकता है। तो एक ऐसी चीज को ये झूठ के फ्रेम में ऐसा लपेट के लेके आते हैं ना, बच्चे को मिसगाइड करते हैं, बड़ा गुस्सा आता है। कुछ टाइम से जैसे इसका ये शो चल रहा है ना, हर एक अपने वीडियो इनके देखते हैं तो यहां पर बैनर लगा के रखेंगे, भाई इनकी वजह से इन्होंने आई मतलब कि ऑल इंडिया रैंक जो वन आया है श्रुति शर्मा का, बस इनकी वजह से आया, बस इनके इंस्टीट्यूट पे आगे एक इंटरव्यू क्या दे दिया था भाई साहब, इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू से किसी ने टॉप नहीं कर जाते वहां पर। अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में तो ऐसी बात होगी कि भैया किसी टॉपर ने, आने वाले टॉपर ने जो भविष्य के अंदर कभी टॉप करेगा एग्जाम में, उसने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर एक पेपर भी लिया होगा ना, तो भैया उनको पता चल जाएगा यार इसने तो हमारे कोचिंग सेंटर से एक छोटा सा एक A4 साइज की एक ब्लैंक पेपर हमसे लेके गया था यार, ये तो हमसे पढ़कर गया है, ये तो फिर बैनर लगा के खड़े हो जाएंगे, फिर लोगों को फिर मिसगाइड करेंगे कि यार हमारे पास आओ, हम अच्छी आपको कोचिंग देंगे, तब जाके आप टॉप कर पाओगे। भाई मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं वो अच्छी भी गाइड भी करते हैं, लेकिन एक खुले आम जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग लेकर लोगों के लिए इंस्पिरेशन वहां पे क्रिएट की जाती है कि आपको जरूरी नहीं कि आप पैसे देकर ही कोचिंग लेंगे तभी आप टॉप करेंगे, ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है, उनके लिए एक उम्मीद बनती है यहां पर, और उस उम्मीद को ये कोचिंग जैसे जो फेक कोचिंग सेंटर है वो उनके छीन रहे हैं बच्चों से मिसगाइड करके। ध्यान रखना, इन जैसे कोचिंग सेंटर से आपका कभी भी भलाई नहीं होने वाली है, जो आपको शुरुआत में ही झूठ बोलकर अपने पास लेकर आएंगे तो आपको कहां से एक अच्छा एक कह सकते हैं कि देखिए यूपीएससी की जो तैयारी होती है, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन यूपीएससी की जो जर्नी है वो आपको एक बेहतर इंसान जरूर बनाती है, लेकिन अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिले तभी। अगर आपको गाइडेंस ही खराब मिल रही है, आपको पढ़ाने वाले ही खराब मिल रहे हैं, तब आप बेहतर इंसान कहां से बनोगे यार। तो आप कोचिंग में जाइए, बेशक आप फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए, आप भले ही पेड़ लीजिए, लेकिन सोच समझकर, ऐसे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मत फंसिए जो आपको फेक प्रॉमिस कर रहा है। तो इस पूरी वीडियो का बनाने के पीछे मकसद यही था कि इन जैसे जो कोचिंग माफिया हैं, जो गलत एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों का क्रेडिट खुलेआम मार रहे हैं, इनसे बचकर रहो। 2 मिलियन सब्सक्राइबर, कमाल की बात है। और लोग यहां पर कमेंट इन पे पढ़ता हूं तो कहते हैं अरे सर ये तो आपकी कामयाबी हुई, भैया उसकी कोई कामयाबी नहीं है, वो उस बच्ची की खुद की कामयाबी है, सेल्फ स्टडी उन्होंने की है, आप इनका इंटरव्यू सुनिए। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में कुछ चीजें जाएंगी, और जिनके जाए भैया वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।